माननीय आरपी ठाकुर पूर्व न्यायाधीश जी को अखिल भारतीय क्षत्रिय खंगार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। सौजन्य राय कृषि फार्म जामुंडाना मालथौन जिला सागर। मध्य प्रदेश को उपचुनाव आईपीएल मैच की तरह हो रहा हो, समझे में नहीं आ रहा हो कोकी के संगे है और कोकी की अलग है, और क्यों बेर दो विपक्षियों को एक संगे एक ही मैदान में उतर के प्रचार करने पर रहो। जो ही हाल है मध्य प्रदेश के सागर जिला की सुर्खी विधानसभा सीट से, इतने पिछली बेर कांग्रेस से लड़े गोविंद राजपूत भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं और भाजपा से लड़े सुधीर यादव गोविंद राजपूत के लाने प्रचार कर रहे। अब प्रचार तो कर रहे लेकिन कथेना के पुरानी कोनू बातों पर राख भले ही डल जाए लेकिन तनक सी हवा चल भे तो वह चिंगारी उखड़ आऊ कछू। जो ही हाल भाव सुधीर यादव के संगे, सुधीर यादव कल गोविंद राजपूत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, मंच पे गोविंद राजपूत भी बैठे थे, लेकिन एक बेर नहीं दो बेर नहीं करीब 9-10 मिनट के भाषण में केव बेर ऐसी बातें उखड़ आई जिसे जो लगे कि कभी सुधीर यादव अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहे या फिर कभी पुरानो दर्द बयां कर रहे या फिर हकीकत बता रहे। सुनो जरा एक एक करके। सबसे पहले सुधीर यादव बोले कि उनकी गोविंद राजपूत से पुरानी अदावत हती राजनीति में और उन्हें जेल भी जाने पड़े यही चक्कर में। सुनो जरा का बोले सुधीर यादव। वैसे इस क्षेत्र से हम लोगों का बहुत पुराना नाता है, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, सदियों से सबको जानते हैं, सबको पता है। 1977 में पिताजी ने सबसे पहला चुनाव यहाँ से लड़ा। 1977 के बाद 2018 जिसमें हमने लड़ा 2018, इस बीच में 10 विधानसभा के चुनाव यहाँ हुए, 10 में से 6 विधानसभा के चुनाव हम लोगों ने लड़े और छोटे मोटे तो गिनती नहीं, पता नहीं कितने आमने सामने हम और गोविंद भाई आमने सामने यहाँ पिछले 25 साल में लड़ते रहे, या इनके लोग लड़े या हमारे लोग लड़े, लेकिन आमने सामने लड़ाई हुई है, जम के लड़ाई हुई है, कोई कमजोर लड़ाई नहीं हुई है। हमें जेल भी जाना पड़ा है लेकिन उसके लिए भी हम लड़े हैं और गए। हमें जेल भी जाना पड़ा है लेकिन उसके लिए भी हम लड़े हैं और गए। हमें जेल भी जाना पड़ा है लेकिन उसके लिए भी हम लड़े हैं और गए। इसके बाद आगे बढ़े तो सुधीर बोले कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता इस गठबंधन के बारे में फर्जी बातें करें और खुले तौर पर भाजपा नेताओं के बारे में भी सुधीर यादव जई बातें बोले। कोई दूरी नहीं है किसी भी स्तर पे, बहुत सारे लोग आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, कुछ भाजपा के नेता भी फर्जी बातें करेंगे आपसे, कुछ भाजपा के नेता भी फर्जी बातें करेंगे आपसे, कुछ भाजपा के नेता भी फर्जी बातें करेंगे आपसे, हो सकता है कुछ नाराज हो जाते हैं, हो सकता है कुछ फर्जी बातें करेंगे, लेकिन हम में कोई दूरी नहीं है, हम कमल के फूल के लिए आपके बीच में है। इसके बाद बात राम मंदिर की चली, सो ऊपर भी सुधीर यादव कछु ऐसो कह गए जो शायद उते बैठे लोगन को नागवार गुजर। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जो कहती है वो करती है, कोई किसी स्थिति में नहीं रुकती। बहुत सारे समय मंदिर वही बनाएंगे कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे, हमारे मित्र यहाँ बैठे वो भी लगाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे, हमारे मित्र यहाँ बैठे वो भी लगाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे, हमारे मित्र यहाँ बैठे वो भी लगाते थे, तारीख नहीं बताएंगे। तनक आगे चल के सुधीर यादव बोले कि भैया पार्टी में ज्यादा बासन भाड़े इकट्ठे हो गए हैं, वही के बाद जब ज्यादा हो जात तो फिर का हो जा सुनो। मित्रों राजनीति अपनी गति से चलती, अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं, अपनी जब ज्यादा बर्तन भाड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घड़बड़ाहट होती, जब ज्यादा बर्तन भाड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घड़बड़ाहट होती, जब ज्यादा बर्तन भाड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घड़बड़ाहट होती, घर परिवार में होती है, जो घर परिवार बड़ा हो जाता है वहां थोड़ी बहुत दिक्कत होती। इसके बाद सुधीर यादव ने करे एक बड़ो खुलासा पूरे मंच के सामने, और खुलासा का पुराने जख्म को तनक खुद ही कुरीद लो। बोले हम तो गोविंद राजपूत से लड़के ही तो भाजपा में आए थे। कांग्रेस पार्टी को चलाने का पूरा काम इस प्रदेश में सागर जिले में इन्हीं के पास, हम कांग्रेस में भी रहे, इनसे खूब लड़े, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जब इनसे लड़ाई बनती नहीं थी तो बहुत लड़ाई थी, छोड़ के आए,
सारी पार्टी कांग्रेस में भी रहे, इनसे खूब लड़े कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जब इनसे लड़ाई बनती नहीं थी तो बहुत लड़ाई थी छोड़ के आए, सारी पार्टी कांग्रेस में भी रहे, इनसे खूब लड़े कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जब इनसे लड़ाई बनती नहीं थी तो बहुत लड़ाई थी छोड़ के आए, सारी पार्टी। फिर भैया आप सुधीर यादव मंत्री जी के मंच पे मौजूद होते सो उनके पक्ष में बातें तो करनी होती, सो बोले कि भैया पूरी पार्टी सब तरफ इकट्ठी हो गई, सो आप और अनखो इकट्ठे हो बे में कौन सो कष्ट है, यानी संदेश साफ दे रहे थे कि अबे लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। सुनो जरा क्या बोले सुधीर, जब सारे लोग इकट्ठे हैं, इस देश में इकट्ठे हैं, इस प्रदेश में इकट्ठे हैं, इस मंच में इकट्ठे हैं, इस जिले में इकट्ठे हैं, तो आपको इकट्ठे होने में कौन सा कष्ट है, जब सारे लोग इकट्ठे हैं, इस देश में इकट्ठे हैं, इस प्रदेश में इकट्ठे हैं, इस मंच में इकट्ठे हैं, इस जिले में इकट्ठे हैं, तो आपको इकट्ठे होने में कौन सा कष्ट है, जब सारे लोग इकट्ठे हैं, इस देश में इकट्ठे हैं, इस प्रदेश में इकट्ठे हैं, इस मंच में इकट्ठे हैं, इस जिले में इकट्ठे हैं, तो आपको इकट्ठे होने में कौन सा कष्ट है। और इसके बाद पूरे के पूरे माहौल को सबसे जोरदार आइटम सुधीर यादव बोले कि काय सब जने इकट्ठे होइयो, लगाओ नारा जोर से, और उसके बाद सैकड़ों की भीड़ में से आई केवल एक आवाज, काय की हाउ की, सुनो जरा। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, इकट्ठे होने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात निकल के आती है जनता के बीच से कि गोविंद भाई कोई दिक्कत नहीं। खैर चुनावी माहौल बहुत जोरदार चल रहा हो और सब गड्ढे मड्ढे चल रहा हो, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति मिक्स हो गई है, क्यों जगह पे कांग्रेस भाजपाइयों के संगे दिखा रहे हैं, भाजपा कांग्रेसियों के संगे दिखा रहे, लेकिन क्यों बेर बड़ी आनंददायक भी हो और असल में बड़ी चिंताजनक भी हो जा राजनीति। सागर से कृष्णकांत नगाइच, बुंदेली, पोछार के लाने।